राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण और गरीब परिवारों की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का अहम आधार बनकर सामने आया है। इसके तहत कई ग्रामीण महिलाएं स्वसहायता समूहों से जुड़कर हजारों रुपए की मासिक आय प्राप्त कर रही हैं। चंबल अंचल के मुरैना जिले में किस तरह से इस मिशन का संचालन हो रहा है, देखते हैं संवाददाता उपेंद्र गौतम की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। चंबल अंचल में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को घर और घूंघट से बाहर निकालकर रोजगार के लिए प्रेरित करना एक कठिन कार्य माना जाता है, लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा इन महिलाओं को रोजगार से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया है और अब जिले में करीब 1,550 स्वसहायता समूह गठित करके लगभग 19,000 महिलाओं को रोजगार का प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। इस प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये महिलाएं घर बैठे विभिन्न कार्यों से जुड़कर हजारों रुपए की आमदनी कर रही हैं और अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे पा रही हैं। जिले की 478 ग्राम पंचायतों के लगभग 850 गांवों में 456 गांवों में स्वसहायता समूहों का गठन हो चुका है। प्रत्येक समूह में 12 से 15 महिलाएं जोड़ी गई हैं। इनको योजनाबद्ध तरीके से स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समूह संचालन के लिए प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये महिलाएं खुद तो रोजगार से जुड़ी हैं, गांव की अन्य कई महिलाओं को भी विभिन्न उद्यमों से जोड़ रही हैं। ये आजीविका मिशन की तरफ से ट्रेनिंग है और इसमें महिलाओं को अवसर मिलता है। जो अनपढ़ महिलाएं हैं उनको इसमें बहुत अच्छा अवसर मिलता है और उनको जो मतलब किताब भी नहीं देखी थी, उन्होंने पेंसिल भी नहीं देखी थी कैसे क्या लिखते हैं, आ का अनार क्या होता है कुछ भी, तो वो यहाँ पर आकर पेंसिल भी पकड़ना सीखी, किताब में लिखना भी सीखी ट्रेनिंग के जरिए। और हमारे समूह में जो पुस्तक लेखक हैं उनको अगर थोड़ा बहुत नहीं लिखना आता था तो वो भी अच्छे से सीख गई। 7 पुस्तक होती है, 7 पुस्तक को अच्छे से सीख चुकी हैं। ये सर मतलब पुस्तक संचालक हैं गांव की महिलाएं, इनको हमें हिसाब किताब के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। छोटे छोटे समूह में जुड़ के ये महिला मतलब अपना लिखा पढ़ी करके अपना हिसाब पूरा मतलब तरीके से रख सके। ये सर हमने सीखा है समूह में छोटी छोटी बचत करके हम अपने मतलब परिवार में आगे बढ़ सकें और ज़रूरतों को पूरा कर सकें। हम परिवार के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, इसे सोच करके सर हमने वहाँ सीख के आए हैं और उसी को हम यहाँ सिखा रहे हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि इतना अच्छा कर रही है कि हमको सरकार के द्वारा एक नया जीवन जीने का माहौल मिल रहा है। सर आजीविका मिशन से हमने 11 सदस्य महिलाएं, हमारा समूह बनाया गया था। समूह बनाने के लिए हमें जो रोजगार मिला है, हमको रोजगार मिला है, तो हम 11 महिला सदस्य मिलकर काम कर रहे हैं इसमें। सावन का आजीविका मिशन PRC ऑफिस में सरकारी उसमें स्कूलों में जा रहा है। आजीविका मिशन से मिला ऐसा 2,81,000 रुपये हमको आजीविका मिशन से मिला था, उससे हमने ये सामान मंगाया। सामान मंगा के हमने ये 11 महिलाओं को मिलकर इकट्ठा करके हम बना रहे हैं 11 सदस्य। इसमें सर 10,500 रुपये हम 10,500 सावन हमने सप्लाई किया है। वर्ष से यहाँ पर DPM टीम सदस्यों की स्थापना हुई है, तब से अब तक 478 ग्राम पंचायतों में से 456 ग्राम पंचायतों में NRLM योजना ने प्रवेश कर लिया है और 1,554 समूहों का गठन हो चुका है। साबुन और डिटर्जेंट बनाए जा रहे हैं कुछ समूहों द्वारा। इसके अलावा डेयरी की एक्टिविटीज़ भी ली जा रही है। जो साबुन हमारे समूह बना रहे हैं वो मध्यान्ह भोजन के अंतर्गत हाथ धुलाई के लिए हमारे जो शासकीय स्कूल्स हैं उनको भी दिए जा रहे हैं।